हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बैंगन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल ईजी है, जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को धोकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसका ऊपर का पार्ट ये हटा देंगे, इसका हेड देखिए बिल्कुल ऐसे हम हटा देंगे और इसे स्लाइस में हम कट कर लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से सारे पीस हम कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे बैंगन को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों ही बैंगन कट गए हैं, इस तरह से मैंने कट किया है। अब इसे अच्छे से हम धो लेंगे फिर से। बैंगन में ये थोड़े थोड़े बीज हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बना सकते हैं। ज़्यादा कड़ा बीज नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने बैंगन को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम ढक देंगे और मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने ये चावल का पेस्ट ले लिया है, आधा कप से भी कम चावल को मैंने भिगोया धोया और उसे पीस लिया है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, देखिए बिल्कुल इतना ठीक है हमारा पेस्ट। अब हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कच्चे चावल का पेस्ट है, जिसे हम 1 घंटा पहले भिगो देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में चलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमारा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में। अब इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला मिक्स कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसी में हम मिक्स कर देंगे सभी को अच्छे से। इसी में हम 2 चम्मच हम इसमें बेसन में और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, देखिए बिल्कुल ऐसे। और अब हम इसे ढक देंगे ताकि हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे, जो हमने स्लाइस में काट कर रखा है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसे हम सेल्फ फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेल्फ फ्राई करने से भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम इसमें एक एक करके बैंगन के पीसेस डाल देंगे और हम फ्लेम को लो कर लेंगे, लो और मीडियम। फिर से हम सारे पीसेस को डालते जाएंगे और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, आप बार बार बनाना चाहेंगे इसी तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। ये देखिए मैंने सारे पीस डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए पैन में। जब ये थोड़े से सिक जाएंगे नीचे से, तभी हम इसे पलटेंगे। एक बात तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा बैटर पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। बैटर हमारा गाढ़ा रहेगा तभी हमारा कोटिंग अच्छे से हो पाएगी। अब हम इसे पलट लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे। आँच को हम लो या फिर लो मीडियम के बीच में रखेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल अंदर तक पक जाएं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं। दोनों साइड हमें पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से पका लेना है। देखिए हमारे बैंगन के पकौड़े बिल्कुल फ्राई हो गए हैं अच्छे से और ये पक भी गए हैं, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे।
देखिए इतने तेल में ही हमारा पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार है बैंगन के। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हैं दोनों साइड से और बिल्कुल सॉफ्ट हैं अंदर में और अच्छे से पक चुके हैं। इसे आप टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।